हेलो दोस्तों, ईडेरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मिल्क प्रोटीन के बारे में। इससे पहले अगर आपने मिल्क डेफिनेशन एंड इट्स कंपोजिशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन अमीनो एसिड की सिक्वेंस होती है जो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन सीक्वेंस के बेस पर अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। अमीनो एसिड एक स्मॉल मोनोमर यूनिट होती है जो कंबाइन होकर पॉलीमर यूनिट बनाती है, जिसे पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट स्ट्रक्चर में अरेंज होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन लार्ज वेट पॉलीमर होते हैं, जनरली 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 असेंशियल और 11 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं जिन्हें ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती और उन्हें बाहर डाइट से लेना पड़ता है, और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं जो ह्यूमन बॉडी बना लेती है। इन अमीनो एसिड को बाहर के सोर्स से लेने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, सभी अमीनो एसिड एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं सिवाय ग्लाइसिन के। मिल्क प्रोटीन की बात करें तो मिल्क प्रोटीन की हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है अन्य किसी और प्रोटीन से। मिल्क प्रोटीन में सभी 9 के 9 असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जिनकी ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होती है। मिल्क प्रोटीन्स अन्य किसी प्रोटीन से ज़्यादा ईजिली डाइजेस्ट होते हैं। अगर आप काओ एंड बफलो मिल्क में मिल्क प्रोटीन की कंपोजिशन जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिल्क प्रोटीन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट केजिन प्रोटीन, सेकंड वे प्रोटीन, थर्ड मिल्क फैट ग्लोबुल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फोर्थ अदर माइनर प्रोटीन। केजिन प्रोटीन को फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अल्फा S1 केजिन, सेकंड अल्फा S2 केजिन, थर्ड बीटा केजिन, फोर्थ कापा केजिन। वे प्रोटीन को भी फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, सेकंड अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, थर्ड बोवाइन सीरम एल्बुमिन, फोर्थ इम्यूनोग्लोबुलिन। अगली वीडियो में हम केजिन एंड वे प्रोटीन को डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दो और ईडेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए।